है गाइस, वेलकम टू हॉट माय यूट्यूब चैनल। और आज की जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं किस तरह से आप अपने विंडोज़ को लेटेस्ट वर्जन के ऊपर अपडेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपका जो इंटरनेट, जो भी आपका इंटरनेट होगा उसको आपने अगर डिसेबल कर रखा है तो इसको मैं इनेबल कर लूँ। सबसे पहले मेरा इंटरनेट डिसेबल है तो मैं उसको इनेबल करता हूँ। आपके पीसी के ऊपर आपका जो इंटरनेट है वो इनेबल होना चाहिए, उसका इंटरनेट की सर्विस होनी चाहिए। एंड सेकेंड थिंग, आई विल शो यू के आपने जाना सेटिंग्स में, अपडेट एंड सिक्योरिटी में, और इधर आपको देखने वाले चेक फॉर अपडेट्स का क्लिक करेंगे तो चेकिंग करना शुरू कर देगा और अपडेट्स को डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा। अब देखिए कुछ सेकेंड्स में ये फाइल्स आपको दे देगा और ये कहेगा हमें ये फाइल्स डाउनलोड करनी है, तो वो डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा। जैसे इसको थोड़ा क्लोज कर लेते हैं या ब्लैंक पेज में बल्कि ओपन करता हूँ और इधर विंडोज़ 10 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाऊँगा, यानी कि विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से मैं एक फाइल डाउनलोड कर देता हूँ। यहाँ उधर से आपको एक फाइल देखने को मिल जाएगी अपग्रेड की, तो ये देखें कि जो हमारे बैकग्राउंड पर रनिंग थे वो भी इस दफ़ा आ चुके हैं। और अभी मैं इसको ये भी दिखाता हूँ कि विंडोज 10 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं या माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो सबसे फर्स्ट ये आपको एक ऑप्शन देगा कि आपने इसको अपडेट करने के लिए क्या फाइल चाहिए। तो ये जो अपडेट्स होंगे ये डाउनलोड करने में आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे और पर 1809 तक ये करेगा, और जो भी आपका वर्जन होगा 1903 वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा आपके ब्राउज़र के थ्रू। ये देखें फाइल आ गई है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे, अपडेट नाउ को क्लिक करेंगे तो ये आपको एक ऐसी फाइल देगा जो कि आपके विंडोज़ को 1903 के वर्जन पे ले जाएगा, यानी 1903 आई थिंक में ले जाएगा, और आपको जो विंडोज़ का लेटेस्ट वर्जन है वो आपको देखने में मिल जाएगा। तो इसको फाइल को मैंने डाउनलोड कर लिया, तो एक आपको दिखा दूँ कि अपडेट नाउ पे क्लिक कर दिया तो मैंने एक फाइल देखने को मिली है। तो इधर ऑप्शन तो नहीं आ रहा डाउनलोड का, पर हाल नीचे हमें ऑप्शन दे रहा है तो वो आप देख सकते हैं। तो गाइज यू कैन सी नाउ कि जो हमारी फाइल थी वो डाउनलोड हो चुकी है। तो हम इसको एक दफ़ा रन करके आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से इसके ऊपर आपने वर्क करते हुए अपनी विंडो अपडेट करनी है। आपसे एक परमिशन मांगेंगे एडमिनिस्ट्रेटर की, आपने उसको येस करना है। तो ये देखिए चेकिंग फॉर अपडेट्स कर रहा है, और ये जो डाउनलोड करेगा वो 1903 तक करेगा, जो आपकी विंडोज़ खुद करेगी वो 1803 तक करेगी। तो ये लेटेस्ट वर्जन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट की जुलाई 2019 की अपडेट है, तो वो आपने देखनी है। तो इधर से देखें वो कह रहा है अपडेट लेटेस्ट वर्जन विंडोज़, तो हम क्लिक करते हैं अपडेट नाउ पर। तो ये हमारा पीसी को एक दफ़ा चेकआउट करेगा कि उसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। तो बैक साइड पर मेरी 59% ये डाउनलोड हो चुकी है विंडोज़ के अपडेट जो बैक साइड पर। इसको आपको करने में ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे लगेगा, आपका इंटरनेट अच्छा होगा तो ज़्यादा से जल्दी हो जाएगा। तो किसने हमारा पीसी को कंपेटेबल कराया और अपडेट करना स्टार्ट कर दिया और बैक साइड पर ये अपडेट डाउनलोड करना स्टार्ट कर दिया। तो ये प्रोसीजर है। तो गाइस कुछ इस किस्म का वॉलपेपर आपको देखने को मिल जाएगा जब विंडोज़ अपडेट हो जाएगी। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद तो इसे लाइक करें और इस तरह के मजीद वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी किस्म का इशू फिर आता है तो लेट मी नो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।